अच्छा कितने लोग मानते हैं बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ मौजूद लोगों में, ये देखिए और इसी तरीके से भारतवर्ष की फाइंडिंग भी यही कहती है, हम जब लोगों के बीच में गए सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बेरोजगारी। लेकिन अब सवाल नंबर 3 और 4, पटेल साहब आपकी आज्ञा से सवाल नंबर 3 और 4 की तरफ हमको बढ़ना पड़ेगा। सवाल नंबर 3 और 4 क्या है जरा वो देख लीजिए, कोरोना काल में नीतीश सरकार का काम कैसा रहा, ये है सवाल नंबर 3। रिस्पोंडेंट्स ने क्या कहा वो भी देख लीजिए, अच्छा कहने वाले 29% लोग, औसत कहने वाले 22% लोग, खराब कहने वाले 30% लोग सबसे ज्यादा, और बहुत खराब कहने वाले 19% लोग। मतलब कोरोना काल में लोग संतुष्ट दिखाई नहीं दिए। जेडीयू की प्रतिक्रिया, 22-29 जोड़ लीजिए, ऑन एवरेज क्या निकालते हैं, निकाल दिया आप ही दोनों ने, सर्वे आप ही का बता रहे हैं, 22 आप कह रहे हैं, अच्छा और औसत जोड़ दीजिए, तो उधर 30 और 19 भी जोड़ दीजिए, खराब और बहुत खराब 50 से ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं अगला सवाल दिखा दूं, अगला सवाल है पिछले 5 साल में नीतीश सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा, ये रहा सवाल और ये है इसके जवाब। अच्छा कहने वाले 30% लोग, औसत कहने वाले 28% लोग, खराब कहने वाले 26% लोग, और कुछ नहीं कह सकते ऐसा कहने वाले 16% लोग। मतलब अच्छा कहने वाले 20% हैं। सर ये इशारा क्या है, अब कहिए अफजल साहब, आपने तो साबित कर दिया, दोनों सर्वे करा के साबित कर दिया कि आज भी सरकार और मेरी सहयोगी अंजलि कुछ ही देर में जनता के बीच में होंगी और वो लोगों के बीच से भी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचाएंगी। जनता को आजादी अपने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल सकती है, लेकिन आपके माइक जी जी मैं कह रहा हूं कि आपके सर्वे, आपका जो सर्वे किया हो तो आप साबित कर दिया कि नीतीश कुमार सर्वोच्च नेता है, उससे बड़ा कोई नेता नहीं है, बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है। लेकिन कोरोना के समय काम अच्छा नहीं हुआ, साल में एक भी चुनाव नहीं लड़े, सबसे अच्छा नेता कैसे हो गए, एक भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़े पिछले 15 साल में, सबसे अच्छा कैसे हो गए, हमारा नेता विधानसभा चुनाव लड़े, हर समय लड़े, किसने नहीं लड़ा बताइए, एक भी नेता का नाम बताइए, लड़ी चीफ मिनिस्टर दोनों जगह से चुनाव जीती, आपको नहीं मालूम है।